वेलकम टू कुक एंड बेक एकेडमी। आई एम शेफ मनोज पाल और मेरे साथ है शेफ मुन्ना राज। शेफ आज क्या बना रहे हैं हम? अवध की एक डिश बनाने जा रहे हैं, मुर्गे का निमोना। फ्रेश हरी मटर, टमाटर कटे हुए, प्याज कटा हुआ, चिकन कटा हुआ छिला हुआ बोनलेस, ठीक, धनिया पाउडर, फ्रेश धनिया, हरा मिर्च चॉप, जिंजर चॉप, ठीक है। मसाले में कश्मीरी चिल्ली, मिर्च पाउडर, भुना चने का पाउडर, देसी चने का पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, पोटली मसाला, मास्टर मसाला, देसी घी और जिंजर गार्लिक पेस्ट, दूध, देसी घी गर्म हो जाए अच्छे से, ठीक है, ठीक। फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, इसको हल्का ब्राउन करेंगे, इसको लाइट ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन होगा। तो शेफ इसके अंदर हम विद बोन चिकन लेंगे या बोनलेस? बोनलेस, क्योंकि ये डायरेक्ट रोटी से खाया जाता है अधिकतर रोटी से, ठीक है। और जैसे कि बेसन की रोटी, बाजरे की रोटी, ये सर्दियों का ही जायका है। हड्डी वाला क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसको सीधे सीधे खाया जाता है, चावल से भी लोग खा सकते हैं। तो ये इजाद कब हुई इसकी? ये बहुत पुरानी डिश, आज की डिश नहीं है, कम से 200 साल 300 साल पुरानी। ये नवाबों की, अवध की डिश है ये, नवाब तो खाते ही थे, पूरे अवध की ही डिश है ये। गाँव में बेसिकली गाँव में ज्यादा बनता है, हमारे अवध में निमोना का चलन सर्दियों में ही स्टार्ट किया जाता है। अच्छा, और अगर किसी को वेज बनाना हो तो चिकन ना डाल करके इसमें पनीर डाल सकते हैं। ओके, पनीर डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, बड़ी डाल सकते हैं, दाल वाली बड़ी, आलू भी डाल सकते हैं। आलू नहीं, आलू से मजा नहीं है, बड़ी ज्यादा मजा है। सोयाबीन की बड़ी भी डाल सकते हैं। ठीक, तो आप सोयाबीन की बढ़िया यूज कर सकते हैं। हो गया, हल्का सा ब्राउन हो गया ये। अब इसमें डालेंगे टमाटर, टमाटर को अच्छी तरह से गला लेंगे। तो हल्का सा ब्राउन होने के बाद हम टमाटर डालें, टमाटर को गला लें अच्छे से, और टमाटर का बीजा निकाल लें। लगभग टमाटर आधे ज्यादा कल चुका है, उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तो 1 बड़ा चम्मच इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तो फिर मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर, कश्मीरी चिल्ली, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर लगभग 1 टीस्पून, जरा सा जीरा पाउडर, नमक, पोटली मसाला, हल्का सा मास्टर मसाला। अब इसमें डालेंगे हम चिकन साथ ही साथ, सबसे पहले चिकन। तो इसमें चिकन ब्रेस्ट यूज किया हमने, थाई यूज किया इसमें? हमने तो ब्रेस्ट भी यूज किया है, थाई भी यूज कर सकते हैं, मगर इसमें यह पीस से दिखनी चाहिए, थाई मेल्ट हो जाएगा सारा। इसमें कीमा यूज कर सकते हैं? नहीं, मजा नहीं आया, कीमा मजा नहीं, दिखना चाहिए ना चिकन। ये मटर ऑर्डर कीजिए, इसमें ये मटर डाल रहे हैं, इसमें के अंदर मटर डाल। हाँ, तो इसको अच्छे से हमने भूनना है। जितना भूनने को सही से होना बनाएगा, तो आपको 10-15 मिनट इसको अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई में ही गल जाएगा अधिकतर, भुनाई में ही आपका चिकन गल जाएगा, पक जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे दूध,
इसमें डाल देंगे अदरक कटा हुआ, इसमें डालेंगे चौब अदरक, हरा मिर्च कटा हुआ। अब इसको हम ढकेंगे लगभग 5 मिनट। अब इसको देखे गला कि नहीं गला, ठीक थोड़ा सा ये लिपटवा होता, ध्यान रखना लगा लिपटा। लगभग आधा टीस्पून चना पाउडर, ये देसी चना पाउडर है ये। इससे क्या है हल्का सा जायका का फर्क आएगा, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। ठीक, हमारा तैयार हो गया निमोना, मुर्गे का निमोना, ये अवध का जायका है। अब है ऊपर से धनिया डाल सकते हैं इसमें, हरा धनिया तो 2 बड़े चम्मच हरा धनिया। इसको रोटी से भी खा सकते हैं, मिस्सी रोटी से भी, बेसन की रोटी से भी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी से भी खा सकते हैं, मकाई की रोटी से भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं।